हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या। अब आप मेरे को अन अकेडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अन अकेडमी का लिंक अपने यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं अन अकेडमी पर टॉपिक वाइज लेसन बनाता हूं, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो। थोड़ी कोशिश आप करें, थोड़ी कोशिश मैं करता हूँ, और मिलकर इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए स्मॉल एस्ट्रॉइड इज अप्रोचिंग ए मैसिव स्टार विद स्पीड वी फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस एट एन इम्पैक्ट पैरामीटर वी एज शोन बिलो। इफ द मास ऑफ द स्टार इज कैपिटल एम एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, तो देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी सच दैट एस्ट्रॉइड विल मिस द स्टार। और ऑप्शन हमारे पास गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मींस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्मॉल एस्ट्रॉइड है जो वी वेलोसिटी से लार्ज डिस्टेंस से एक मैसिव स्टार की ओर आ रहा है, वी वेलोसिटी से, जिसका इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, बी है। और जो ये हमारे पास स्टार है, ये स्टार है और यहाँ पर एक स्मॉल एस्ट्रॉइड है जो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है, जिसकी वेलोसिटी बी है और इंपैक्ट पैरामीटर क्या है उसका, बी है। और ये जो स्टार है, ये वाला जो स्टार है, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो अब हमसे वो ये कह रहा है कि हमें बी की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे एस्ट्रॉइड इस स्टार को हिट ना करे, मतलब इसको बिना हिट करे हुए वो आगे निकल जाए। तो हमको इस बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा गेट में आया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता ये गेट के कौन से ईयर में आया है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज करते हैं। तो हम एनर्जी लिखेंगे एनर्जी एट R इज इक्वल टू इंफिनिटी और एनर्जी एट R इज इक्वल टू कैपिटल R। मींस ये जो हमारी एनर्जी है ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, ये हमारी एस्ट्रॉइड की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है जब वो उसके सरफेस पे पहुंच रहा है R इज इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ये सब है किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से, प्लस अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल, जिसको हम लिखेंगे वी ई एफ एफ। ये होता है हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल इज इक्वल टू टी प्लस वी ई एफ एफ। ये भी होता है हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल। और इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये हो गया हमारे पास, अब प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल। ये हो गया इफेक्टिव पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हम इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे एट आर इज इक्वल टू इंफिनिटी और एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। तो सबसे पहले इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड करते हैं आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो देखते हैं आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या वैल्यू आएगी। तो हम ई इफेक्टिव वी इफेक्टिव इफेक्टिव पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस आर स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी। तो हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया कहां पे, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो इफेक्टिव पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे कितना आ गया हमारा, जीरो। अब हम वी इफेक्टिव फाइंड करते हैं आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे वी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर, प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास
कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर एल स्क्वायर टू एल आर स्क्वायर। तो यह हमारे पास आ गया इफेक्टिव पोटेंशियल। अब जो ये एल है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है हमारे पास एम वी वी, ये हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू स्मॉल एम आर स्क्वायर। इस एम से ये एम हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल कितना आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव पोटेंशियल। अब हम फाइंड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट आर इजिकल टू इंफिनिटी और आर इजिकल टू आर पे। तो अब हम इफेक्टिव एनर्जी अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट आर इजिकल टू इंफिनिटी, तो हम जानते हैं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोजिशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस केस में जो हमारी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 स्मॉल एम बी स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा स्मॉल एस्ट्रॉइड है वो बी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी आर इजिकल टू कैपिटल आर पे वो कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है आर इजिकल टू कैपिटल आर पे कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब हम इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी और बी इफेक्टिव की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो अब देखते हैं क्या आता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो अब देखिए आर इजिकल टू इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1/2 स्मॉल एम बी स्क्वायर प्लस, और आर इजिकल टू इंफिनिटी पे इफेक्टिव कितना आया था बी इफेक्टिव जीरो इजिकल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी जीरो, और हमारे पास बी इफेक्टिव इफेक्टिव पोटेंशियल कितना आया था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस स्मॉल एम बी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। ये आ गया। अब यहां से देखिए यहाँ पे स्मॉल एम है तो यहां से हम स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा 1/2 एम बी स्क्वायर, यहां से हम स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। इस एम से ये एम हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचा 1/2 बी स्क्वायर इजिकल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस बी स्क्वायर टू आर स्क्वायर। हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब हम क्या करते हैं माइनस जी एम अपॉन आर को इधर ले आते हैं इजिकल टू के, तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा। अब हम 1/2 बी स्क्वायर प्लस जी कैपिटल एम अपॉन आर इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। अब हम यहां से 2R एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा एलसीएम में कितना आ गया है 2R हमारा एलसीएम आ गया है तो ये हो जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर आर प्लस टू जी एम, यह आ जाएगा बी स्क्वायर आर प्लस टू जी एम इजिकल टू बी स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस टू से ये टू कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा बी स्क्वायर आर प्लस टू जी कैपिटल एम इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस आर के हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू जी एम आर इजिकल टू बी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है इंपैक्ट पैरामीटर निकालना है तो मैं इस पूरी टर्म को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो जब मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू जी एम आर अपॉन बी स्क्वायर प्लस
इजिकल टू, सॉरी इजिकल टू बी स्क्वायर। अब देखिए, अब इन दोनों में आर आ रहा है तो मैं आर स्क्वायर कॉमा ले लेता हूं, क्योंकि हमको ऑप्शन में ऑप्शन देखना है, हमको आंसर देखना है किसमें, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए हमारा आर बाहर आ रहा है तो हम आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आर कॉमन आ जाएगा, तो आर कॉमन आ गया, अंदर क्या आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना बचा, वन प्लस टू जी एम अपॉन बी स्क्वायर आर, ये बचा हमारे पास इजिकल टू बी स्क्वायर। अब हम इसका रूट कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, बी इज इक्वल टू आर अंडर रूट वन प्लस टू जी एम अपॉन बी स्क्वायर आर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए, ए इज द राइट आंसर। तो ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर। तो ये था हमारे पास मिनिमम वैल्यू है ये इंपैक्ट पैरामीटर की, जिसकी वजह से जो हमारा एस्ट्रॉइड है वो स्टार को हिट नहीं करेगा। मीन्स इंपैक्ट की ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि वो एस्ट्रॉइड स्टार को हिट ना कर पाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ है। थैंक यू।